डोर पे, और अभी इस डोर पे हम इस वाले डोर को यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके ये वाला डोर ओपन नहीं होगा, तो हम ये वाले डोर पे इसे यूज करेंगे, सेंसर को लगाएंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। जब हमारे पास क्या क्या होता है डोर सेंसर में, डोर सेंसर में वही तीन होते हैं हमारे पास, दो मैग्नेट होते हैं, एक सेंसर होता है। दो मैग्नेट इसलिए होते हैं कहीं कहीं पोजीशन छोटी हो तो आप छोटा मैग्नेट यूज कर सकते हैं। हम ये यहाँ पे हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो हम पूरा बड़ा मैग्नेट यूज करेंगे। ये हमारा सेंसर है और ये हमारी मैग्नेट है। दोनों के पास पीछे ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे करके इन्हें क्लोज कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्क्रू है टेप। अब हम इधर स्क्रू से लगाएंगे इसे क्योंकि इसके टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती। इस सेंसर को ऑन करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ ऑन लिखा हुआ है। जैसे ही आप ये करेंगे लाइट जल जाती है, यहाँ पे ऑन हो गया है ये। और वापस आप ब्रैकेट करके क्लोज कर सकते हैं इसे, ब्रैकेट क्लोज हो गया है। जब भी हम डोर सेंसर यूज करते हैं, लगाते हैं कहीं भी, तो आपको सेंसर का ना ये आपको देखना है, ये कट है, जिस तरफ कट है आपको उस तरफ से लगाना है ये, क्योंकि मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल हो और अच्छी तरह लॉन्ग लाइफ वो काम करे। अगर आप दूसरी तरफ से कर देंगे तो काम तो वो करेगा बट दो तीन साल बाद उसकी वीकनेस हो जाती है, तो इस कट को आप ध्यान रखें, ए जैक में ये कट होता है। तो अब हम लगाते हैं डोर पे। जैसे हमारा लेफ्ट साइड का डोर है तो हम इसको पहले यहाँ स्पॉट करेंगे, मैग्नेट हम नीचे यूज करेंगे। सेंसर हमारे लगते हैं, अभी हमने निकाल लिया सेंसर, अब हम इसे स्क्रू कर देंगे, उसके बाद ये लगेंगे। अब हमने स्क्रू लगा दिए तो हमने स्टैंड लगाएंगे, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे स्लाइड करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। बस स्लाइड करना होता है आपको हल्का सा, तो फिक्स हो जाता है। कल को आपके घर पे सेंसर लगे हो गिर जाए तो आप ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, ऐसे करके लगा भी सकते हैं। अब हम इस पे से ये पन्नी हटा देते हैं जिससे ये कोई धूल मिट्टी ना चिपके। अब हमारा ये सेंसर लग चुका है, इसे हम ऐप में टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमने ये जैक ऐप ओपन कर रखी है। अब इसमें ऐप में हमें सारे सेंसर्स दिख रहे हैं और सारे सेंसर पे अब हम क्लिक करेंगे। देखिए अब हमने डोर सेंसर पे क्लिक कर दिया है, डोर सेंसर हमारा ऑनलाइन है। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग्स पे ही क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर नाम चेंज कर देंगे हम इसका। जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, अब हम वही रख रहे हैं जो हमारे कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डाली है। बाकी आप इसमें केवल एडमिन नेम चेंज कर सकता है, यूज़र नेम नहीं चेंज कर सकता। यूज़र कोई भी सेटिंग्स नहीं कर सकता जो कि सेंसर्स में हो या हब में हो, यूज़र केवल उन्हें यूज़ कर सकता है, उनको कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं कर सकता। जैसे ही आप नाम डालेंगे और बैक करेंगे सेव हो जाएगा। हम अपना गेट ओपन करेंगे तो हम ऐप में देख सकते हैं, हमारे ऐप में डोर सेंसर वन पे डोर ओपन आ गया है। तो जैसे हम इसे क्लोज करेंगे हमारा डोर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे डोर ओपन, ये अब देखिए डोर ओपन हो गया है। अगर हमने ओपन कर दिया और हमने क्लोज कर दिया है तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई टेक्निकल आपको एजेक के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।